कानून के अंतर्गत ही सब कार्रवाई होगी, तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है, ये तो बहुत आसान काम है, जो यूपी में हो रहा है बहुत आसान काम है। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद यूपी में घमासान देखने को मिल रहा है। जी हां, सियासत लगातार इस मामले को लेकर गरमाती हुई नजर आ रही है। अब अशोक गहलोत का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़े करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कई सवाल किए हैं। जी हाँ, क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है सुनिए। यूपी में जो है, जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ही सब कार्रवाई होगी, तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है, ये तो बहुत आसान काम है, जो यूपी में हो रहा है बहुत आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पालन करो, कानून का राज स्थापित रखो, सबको न्याय सुनिश्चित करो, ये मेरा मानना है। तो सुना आपने अशोक गहलोत का क्या कुछ बयान अतीक अहमद पर सामने आया है। अब योगी आदित्यनाथ लगातार अतीक अहमद की हत्या पर बैठकें कर रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। ऐसे में यूपी की सियासत किस तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है। मायावती ने भी सीधे तौर पर अतीक अहमद की हत्या पर योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आती है, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।